These are the boards. This is Cassie. Cassie. An exception again. Cassie with her. मजा आ रहा है, वाला प्लस शानदार है। I love India। बंदा पीछे मिस्टर बीस्ट जैसा लग रहा है। India। क्रॉस कर दिया। क्वांग लेंग की तरफ जा रहे हैं। हेलोंग पे चले जा रहे हैं। हेलोंग में रुकेंगे। ये राइस फील्ड्स हैं। अगर आप तक कंट्री साइड राइड करोगे तो मोस्टली आपको राइस ही मिलेंगे। रिवर भी, रिवर पानी वगैरह बहुत है। ये क्वांग निन में गांव है, हर जगह राइस फील्ड्स हैं। ये भी एक घूमने की जगह है। डेस्टिनेशन से पहले जो रास्ता होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, तो देखोगे उधर पहाड़ी। ठीक है, फाइनली उस पे जा रहे हैं। ये वाला अच्छा जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम, थोड़ा अच्छा नहीं, थोड़ी धूप वगैरह निकली भी होती तो मज़ा आता, लेकिन ठीक है, फाइन। ये हम क्रूज पे हैं और यहाँ काफ़ी सारे इंडियंस हैं, वो भी हम जा रहे हैं। खाना वाना सर्व होगा अभी थोड़ी देर में, मज़ा आ रहा है। वो पीछे हेलोंग ये आ गया, मेरा वेजिटेरियन फूड। हेलोंग बे की तरफ जा रहा है, तब तक हम खाना खाएंगे। ये है क्रूज, अभी अभी खाना खाया है। सही में यार, एक बार तो आना चाहिए, वर्थ विजिटिंग। बहुत मेहनत करी थी आने के लिए। वाला थोड़ा शानदार है। ये हमारे दोस्त हैं अभी बने। आई लव इंडिया। नीचे बुला रहे हैं, हम चलते हैं। सॉरी, अब चलाएंगे अपन कयाक। अरे यार, स्पीड बोट तो चाहिए नहीं अपन को। वेट, अच्छा इसमें दो दो बंदों को बैठाते हैं, अपने पास दूसरा तो कोई है नहीं, सिंगल ही बैठना पड़ेगा। कयाक लेनी है और अभी हम जा रहे हैं केस के अंदर। चलो, कोई हमें हरा देगा इसलिए अपन को तेज चलना होगा। ये पत्थर, ये केव्स के बीच में से जा रहे हैं हम। बहुत अच्छा व्यू है। अरे पानी मत उछालो। सबने कयाक ले लिए, कयाकिंग आ किसी को रही नहीं है, लोग कहीं से ही बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पे तो अलग ही मज़ा आ रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है। इट्स फाइन, लेट्स भिड़ गए भिड़ गए। वन मैन आर्मी, ये बंदा अकेला ही निकला है। No, this is my first time, like, yeah, and it's been like 22 days in Vietnam. तो भाइयों, इन्होंने TikTok वगैरह बनवाया मेरे से और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे के जो भी सम केव वगैरह। ये भाई हैं, फैमिली के साथ आए हैं। काफ़ी क्लोज से ले जा रहा है, क्या बात है। तो यार, यहाँ पे क्या है ना, अराउंड 2000 के करीब आइलैंड एंड आइलेट्स हैं। अगर आइलेट नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आइलेट होता है बहुत ही छोटा आइलैंड। अब हम जा रहे हैं सॉन्ग टू गेव्स। इसे फ्रेंच ने 1901 में डिस्कवर किया था और हम 2023 में कर रहे हैं। ये केव्स है सॉन्ग टू गेव्स,
125 सीढ़ियाँ हैं स्टार्टिंग में। ये हमारी इसमें हम आए हैं, सही है, बढ़िया है। फाइनली क्लाइम, नीचे उतरेंगे वापस, वहाँ से हम आए थे, अब आगे चलते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे रॉक्स मेल्ट होकर नीचे आ रही है, देख सकते हो। हम पहाड़ के अंदर हैं, ऐसा लग रहा है डायनासोर वाइनासोर निकले थे यहाँ से। When the water they drop from this point, they create a stalactite from here. And when it's, the water drops down here, it creates a. ये बंदा ऐसे कह रहा है कि ऊपर से पानी गिरने की वजह से ये जो सरफेस थी ये बहुत स्मूथ हो गई और शाइन करने लग गई। वैसे इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई एलियन वेलियन का कोई बेस कैंप था। हॉलीवुड मूवीज में तो ऐसे ही दिखाते हैं। बाकी इन केव्स के बनने का कारण तो यही है कि एक तो कई मिलियन ईयर्स अगो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, उसके बाद आप मोस्टली देखोगे जो भी यहाँ पे ये नेचुरल आर्किटेक्चर बना हुआ है ये पानी के फ्लो की वजह से बना हुआ है, जैसे रेनफॉल हो गया, फ्लड व्लड वगैरह। और यार टेक्टोनिक प्लेट्स वो होती हैं जिनके स्लिप होने से एक दूसरे के ऊपर अर्थक्वेक आता है। बहुत सुंदर काम बना रहा था पहाड़ों के बीच में से उसने बनाया, वो बहुत मेहनत लगी होगी बनाया, तो क्या होगा मिला ही होगा। उसके बाद ये सीढ़ियाँ वगैरह खुद बनाई होंगी। So that's why many people they leave the chain and they make a wish here. Okay, for the good luck, for their happiness. Chị nhà mình ơi, đây là một trong bốn tiêu linh của nhà mình. Bà già đó đâu có chỉ có bao nhiêu người kết thế. Bên đó bên kia Mr. Beast kia sao lại thế? This is Nick. He's from Canada. Oh hey. Hello. Hello India. Yes. अब जाएंगे हम टिप टॉप आइलैंड, वहाँ एक छोटा सा बीच है वो देखेंगे। टिप टॉप आइलैंड है और उधर बीच है, उसने कहा या तो ऊपर चल लो या बीच पे चल जाओ, तो बीच पे चलते हैं एक बार। तो पहले देखो बीच, उधर बाकी क्रूज शिप्स खड़े हैं। बीच तो है लेकिन यहाँ पे लहरें ही नहीं है। तो अब हम वापस जा रहे हैं, एक घंटे की राइड है, बहुत मज़ा आया। ये हमारे साथ एक फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है। दिया एक टीवी है और बढ़िया बिस्किट है, अच्छा लगा मुझे। बैन कुआ है और उन्होंने रेड वाइन दी थी। ऊपर आ गए हम, भाई लोग भी ऊपर ही हैं। ओह ये तो मस्त है यार। अच्छा वीडियो लोगों की वीडियो बना रहे हैं। बंदे से मैंने पूछा कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ क्या थोड़ी सी देर जस्ट, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं, मच फन है, बड़ा सीरियसली मना किया बंदे। सो हेलोंग का ट्रिप बहुत सक्सेसफुल रहा एंड इट वॉज वर्थ विजिटिंग। मेरी बाइक ख़राब हो गई, एक्स्ट्रा टाइम लग गया, लेकिन जो लास्ट में मुझे यहाँ देखने को तब मज़ा ही आ गया, सुकून मिल गया। ऐसी जगह हो तो
एक दो दिन रुकना चाहिए तब बढ़िया लगता है सीते बीच में आराम से महान तपस्या कुछ भी कर लो इन पहाड़ों के बीच में पहाड़ है यहाँ कोई तंग नहीं यहाँ किसी भी पहाड़ पर जाके अपनी तपस्या कर लो भाई अगली बार आऊँगा तो अपनी बोट लेके ना एक किसी माउंटेन पे चला जाऊँगा पूरी दुनिया को पता नहीं होगा वियतनाम वालों को भी फाइनली हेलोंग बे कंप्लीट कर लिया बहुत मज़ा आया और अब कल सुबह हनोई निकलेंगे तब तक थोड़ा बहुत घूम लेंगे आज पहले काम को थोड़ा मैनेज कर लेते फिर निकलते हैं कैसी